नमस्ते, मैं पीयूष पुंज, प्रिंसिपल सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल एचएलपी टाउनशिप पिंजौर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे स्कूल में इस वर्ष एक कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है सबरंग। नाम ही है जैसे सबरंग, तो हमारा प्रयास है कि इसके अंदर हम वो सब रंग दें जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्निवल है, ये एक मामूली फेट नहीं है कि जिसमें सिर्फ बच्चों के द्वारा कुछ खाने की पीने की और खेलने की स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जबकि इसके अंदर हम विभिन्न आयामों को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न संस्थाओं को भी आमंत्रित किया है, रामकृष्ण मिशन, विराट नगर से ब्रह्म ऋषि और सहज योग चंडीगढ़ से, हिट चैरिटेबल पिंजौर से, विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी पिंजौर से, जो है ना पंजाबी सभा, रोटरी क्लब पिंजौर से, और उसके अलावा हम ग्रे मैटर्स हैं चंडीगढ़ से, और उसके अलावा गायत्री परिवार पंचकूला चंडीगढ़ में जो है, ये सब अपने यहाँ पे पंडाल में अपने आयोजन करने जा रहे हैं कि जिनके माध्यम से वो अपनी गतिविधियों के द्वारा आप सबको कुछ न कुछ नया जोड़ने के लिए अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 8 ऐसे कलाकार आ रहे हैं कि जो कि कैनवस के ऊपर पेंटिंग करेंगे और आम पब्लिक देखेगी कि कैसे कैनवस के ऊपर पेंटिंग की जाती है। इसी तरीके से कुछ आर्टिस्ट जो कि रेगुलर आप वहां पर उनको देख सकते हैं सुखना लेक के ऊपर, वो भी यहाँ पर आके अपना मंचन करेंगे अपनी कला का। और इसी तरीके से कुछ ऐसे कलाकार जो विभिन्न विधाओं के माहिर हैं, वो भी यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके अलावा अलग अलग पंडालों के द्वारा हमारे अपने स्कूल के बच्चे जो उन्होंने अपनी गतिविधियां की हुई है स्कूल में, वो भी प्रदर्शित करेंगे। कुछ खेलों को भी, अलग तरीके के खेलों का भी प्रयास है कि जहां पर आकर आम आदमी एक प्रसन्नचित होकर जाए। इसके अलावा हमने विभिन्न विधाओं को, जैसे कि एकल जो है नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन, समूह गायन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और बेबी शो का भी आयोजन किया है। जो बेबी शो का जो यहाँ पे हमारा प्रयास है, उसके माध्यम से हम सिर्फ एक ये नहीं कि बेबी शो है, बल्कि उन सभी अभिभावकों को हम मार्गदर्शन दिलवाना चाहते हैं डॉक्टरों के माध्यम से, क्योंकि वो उनके साथ साझा करेंगे कि किस किस तरीके की वैक्सीन उन्होंने लगा दी है, कैसा उनका हाइट वेट चल रहा है और आगे क्या वो अपना खान पान उन बच्चों का रखें कि ताकि बच्चे एक इस समाज को एक हेल्दी बच्चे हम जो है दे सकें। इस बार यहाँ पे एक प्रयास है हमारा कि हम हर बच्चे को उसके हिसाब से ग्रेडिंग देंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। खासकर डांस के लिए दीनानाथ, जो कि बड़े ही इस इलाके के रेनाउंड डांसर हैं, इसी तरीके से डीडीए से मुकेश बादल, मिसेस नविता, और इसी तरीके से जो है ना पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन को भी जजमेंट करने के लिए इस इलाके के अच्छे कलाकार ही उनकी जजमेंट करके और उनको बतलाएंगे कि आपने क्या अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं कि कल आप एक अच्छे कलाकार बन सके। विभिन्न व्यंजनों के द्वारा आप खूब आनंद ले सकेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है जो आप चाहते हैं उस तरीके के व्यंजन का यहाँ पर स्टॉल भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसके अलावा अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो खेलों के सामान और उसके अलावा हमारी जरूरत की जो चीजें हैं उसका भी यहाँ पर पंडाल लग रहे हैं। उसके अलावा जो है खासकर जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो विभिन्न गतिविधियां जो रखी है, विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हैं, वो प्रतियोगिताएं तो हैं पर किसी तरीके से उसमें कोई कंपटीशन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कि बच्चा यहाँ से निराश होकर जाएगा। हमने उसको वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ही हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे कि ताकि अगली बार जब वो आयोजन में आएगा तो अगर इस बार उसको ए मिला है तो कोशिश करेगा कि मैं ए प्लस के साथ यहाँ से दोबारा जो है उस सर्टिफिकेट को लेके जा सकूं।
तो हमारा प्रयास है कि यहाँ पर एक छोटा सा ना बल्कि जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि विवेकानंद स्कूल कोई भी काम करता है तो डिफरेंट सा करता है, तो हमारा प्रयास है कि एक हम डिफरेंटली इस एरिया के अंदर एक इस तरीके का आयोजन करें कि जो कि लोग यहाँ पर जब वो अपना दिन जो बिताएंगे तो उनको एक अच्छा दिन बीतने का एक यहाँ पर अवसर मिलेगा। और ये सारा कुछ विवेकानंद छात्र उत्थान मंच जो कि हमारी एक संस्था हमने बना रखी है स्कूल के अंदर, कि जिसके अंदर स्कूल के अध्यापक, स्कूल के बच्चे और स्कूल के अभिभावक सब मिलकर ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे कि समाज के जरूरतमंद लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं या समाज के अंदर दरिद्र नारायण हैं, उनकी ताकि सेवा कर सके। तो हमारा प्रयास है कि इस सब रंग के माध्यम से हम सब रंग का इस दिन आप जो भी आप सभी आमंत्रित हैं, आप आइए यहाँ पर और अपने आप को यहाँ पर अपना एक दिन अच्छा व्यतीत कीजिए और सब रंग के साथ आप भी रंगमय होकर जाएं, यही हमारा प्रयास है। तो मैं पुनः आप सबको आमंत्रण करता हूं कि 29 दिसंबर रविवार के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो आप पुनः सपरिवार इस पर आमंत्रित हैं।